देखिए आज अभी अब जो है ना हिस्टैरिसिस कर लिया, हिस्टैरिसिस लॉस कर लिया, हिस्टैरिसिस कर्व कर लिया बेटा आपने। अब इसमें आपने जो करना है हिस्टैरिसिस की एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हिस्टैरिसिस। सबसे पहले वही है बेटा कि परमानेंट मैग्नेट, क्या बेटा परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट जो परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे वो मैंने बोला था किसके यूज करोगे आप, आपने करना है किसके स्टील के, किसके यूज करना है स्टील के। वो क्यों करना है, क्योंकि बेटा इसका जो जो है इसकी रिटेंटिविटी, इसका रीजन आपने क्या दिया बेटा, इसके रीजन क्या दोगे परमानेंट, हाई रिटेंटिविटी एंड आल्सो हाई पोरोसिटी। इसकी वैल्यू जो बेटा हाई होती है, दोनों वैल्यू हाई होती है, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई पोरोसिटी। तो ये कहता है स्टील इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट येट देयर रिटेंटिविटी। देखिए बेटा सबसे मेन क्या बेटा, सबसे मेन तो आपने एक फैक्टर याद रखना है, रिटेंटिविटी जिसकी ज्यादा है, लार्ज रिटेंटिविटी है, लार्ज रिटेंटिविटी जिसकी लार्ज रिटेंटिविटी है वो जो है परमानेंट मैग्नेट होगा, और वो परमानेंट जो मैग्नेट होगा वो क्या होगा स्टील होगा। और इस केस में एरिया जो है बेटा वो क्या होगा, वो भी लार्ज होगा, एरिया अंडर कौन सा आई एंड एक्स ग्राफ, आई और एच ग्राफ, एरिया अंडर द आई एंड एक्स ग्राफ क्या होगा बेटा इज लार्ज, क्या होगा इज ज्यादा, याद रखना है आपने। नाउ अगला बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से पता लग गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है भाई आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके क्या बना रहे हो, मैग्नेट बना रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई जिसका मैग्नेटिक एक्शन तब स्टार्ट होता है व्हेन यू हैव पास द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस कि आप इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्रिएट, क्या बना रहे हो बेटा, मैग्नेट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड दैट मैग्नेट इज टेम्परेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है टेम्परेरी होती है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तब तक तो मैग्नेट होगा, ठीक है बेटा। तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हम जो है बेटा किसके यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है सॉफ्ट आयरन, तो द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कोर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो यूज की जाती है बेटा किसकी, सॉफ्ट आयरन की, याद रखना है वी हैव यूज क्या सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन हम क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे। रीजन क्या दे दोगे कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो एरिया वो क्या जाएगा स्मॉल, एरिया क्या जाएगा स्मॉल, एरिया स्मॉल होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होगी स्मॉल होगी, लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होगी बेटा स्मॉल हो जाएगी। लेकिन एक और बात है इसमें कि परमिएबिलिटी जो है देखो रिटेंटिविटी क्या, फिर रिटेंटिविटी क्या बनेगी, रिटेन तो करता नहीं है ये, जब भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो रिटेंटिविटी क्या होता है, वो है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बेटा जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू है वो जो है हाई, परमिएबिलिटी को जी परमिएबिलिटी क्योंकि बेटा हाई होती है, रिटेंटिविटी क्यों होती है लो होती है किसकी, इलेक्ट्रो मैग्नेट की, इसीलिए क्या बनाया जाता है बेटा किसका बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके बाद बेटा यही टॉपिक कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो भी किसकी बनाई जाती है बेटा, वो भी सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। यस तीसरा जो बेटा कि ट्रांसफार्मर कोर बेटा, ट्रांसफार्मर कोर है बनाया जाता है, इंटीरियर जो पार्ट बनाओगे आप ट्रांसफार्मर का वो किसका बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन का, किसका बनाया जाता है बेटा सॉफ्ट आयरन का। अरे बेटा सिंपल सी बात है, ये जो जनरेटर आर्मेचर मोटर है इनमें देखोगा आपने जो वो है जिसमें क्वाइल्स आप डालते हो किसका है, आयरन का, लेकिन सॉफ्ट आयरन का क्यों होता है बेटा, सॉफ्ट आयरन का रीजन क्या है, क्या कि एरिया क्यों होगा स्मॉल, कौन सा एरिया बेटा ये वाला एरिया, एरिया स्मॉल कौन सा एरिया, आई एच ग्राफ का मीन्स बी और एच ग्राफ का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का एरिया क्या होगा बेटा स्मॉल होगा।
रिटेंटिविटी की होगी, लो होगी परमेबिलिटी की होगी, हाई होगी, दैट्स आल्सो सेम इन द ट्रांसफार्मर कोर। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सॉफ्ट आयरन। हम क्या यूज करते हैं बेटा, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। लेकिन एक और है, कई बार क्या होता है एडी करंट को कम करने के लिए आपने देखा होगा जो सॉफ्ट आयरन की सीटें होती है बेटा उनको क्या किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है बेटा, लैमिनेट किया जाता है। क्यों बेटा, लैमिनेटेड मतलब लैमिनेटेड सीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन, ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये होता है। और एक और सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया है, जब आप देखना कहीं पर जब कोई मिस्त्री या कोई बेटा जनरेटर ठीक करने वाला, मोटर को बांधने वाला, जब मोटर बांधता है तो देखते होगा आपने जो तारों का छल्ला होता है, काफी ज्यादा तारे होती है, वो उस आर्मेचर में जब रखता है डालता हूं टूट करता है तो नीचे क्या डालता हो, एक प्लास्टिक की कट करके पत्ती ही डालता है। वो प्लास्टिक की जो पत्ती है बेटा वो क्या है, वो क्या करेगी, लेमिनेट, क्या बताओ, लेमिनेट सीट है, क्योंकि वो किसको कम कर देगी, एडी करंट को। किसको कम करेगी बेटा, एडी करंट, और लॉस ऑफ एनर्जी क्यों जाएगी, कम हो जाएगी। ये रीजन है बेटा। तो ये टॉपिक थे आपके, इम्पोर्टेंट है, एक सबसे जो बेस्ट है बेटा, एक याद रखना है मैग्नेट का जो है ना श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म वो है बेटा रिपल्सन, क्या बेटा, रिपल्सन, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है रिपल्सन, रिपल्सन होता है। और मैक्सिमम मैटर्स जो है बेटा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो मैटर्स है मैक्सिमम, मैक्सिमम मैटर्स जो बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेट, शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, इसकी डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है।